पूर्ण बहुमत से कर्नाटक की सत्ता में होने के बावजूद कांग्रेस के नेता एकमत नहीं हैं। सरकार के गठन के बाद से ही कांग्रेस में आपसी झगड़ों की कहानी सामने आने लगी। अब कांग्रेस के मंत्री ने राज्य में 3 डिप्टी सीएम की मांग कर डाली, पार्टी को मुश्किल में डाल दिया। डीके शिव कुमार पहले ही डिप्टी सीएम है, लेकिन मंत्रिमंडल के सहयोगी 2 और डिप्टी सीएम की मांग पर अड़े हुए हैं। 3 उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति के लिए अपने मंत्रिमंडल के भीतर से उठ रही आवाजों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि इस पर अंततः आलाकमान फैसला करेगा और वह उसका पालन करेंगे। सहकारिता मंत्री के एन राजन्ना ने कर्नाटक में 3 और डिप्टी सीएम रखने का विचार रखा था और कहा था कि वे 2024 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस आलाकमान के साथ इस पर चर्चा करेंगे। कर्नाटक सरकार में सहकारिता मंत्री के एन राजन्ना के बयान पर 3 डिप्टी सीएम की मांग उठाने के बाद राज्य में कांग्रेस सरकार के भीतरखाने अंतर्कलह सतह पर आ गई है। माना जा रहा है कि पार्टी में कई नेता खुश नहीं हैं इस बयानबाजी पर। सीएम सिद्धरमैया ने कहा, ये मंत्री की निजी राय है जो इसे पार्टी नेतृत्व के समक्ष उठाएंगे। मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से स्पष्ट कर दिया कि इस मुद्दे पर उनका कुछ भी कहना नहीं है और इस पर निर्णय लेना आलाकमान का काम है। उन्होंने कहा कि राजन्ना ने अपनी राय व्यक्त की है, लेकिन अंततः फैसला आलाकमान को करना है। आलाकमान ने कहा था कि 1 उप मुख्यमंत्री पर्याप्त है और 1 को नियुक्त किया है। राजन्ना ने ये कहा कि वे इस मुद्दे पर आलाकमान से बात करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।